नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स आपके पास कितने होने चाहिए, तो अमूमन आपको बताया जाता है कि 4 या 5 फंड होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आपको एक्सपीरियंस जब हो जाता है तो आप दो एक इंडेक्स फंड ले लें और उसके बाद में उसको चलने लें। ये हो गया, क्लियर हो गया। अभी आप बोलेंगे कि नहीं मेरे पास तो ज्यादा होना चाहिए। अब मैं इसका एग्जाम्पल आपको कैसे समझाऊं, जैसे आप चलिए कि हम कंबाइंड परिवार के बारे में पहले इमेजिन कर लेते हैं। नाना नानी के यहाँ जाते थे, वहाँ पे देखते थे हमारे नाना के 5 मामा हैं, 5 मामा के बाद में उसके बाद में मौसी हैं, मौसी की लड़के हैं, ये हैं, वह पूरा भरा पूरा परिवार है। अब भरा पूरा परिवार है तो उन परिवार में कोई ना कोई बदमाश प्रवृत्ति का होगा, कोई ना कोई गलत प्रवृत्ति का हो जाएगा, या किसी को कोई फिर परेशानियाँ हो गई, कुछ बीमारी वगैरह हो गई, तो कई सारी दिक्कतें वहाँ पर आना शुरू हो जाती हैं। तो आप खुद हमें बताइए कि उस 10-12 परिवार को मैनेज करना आसान है, या आज के टाइम पर जो बिघटन फैमिली हो गया, 1-2 बच्चे को आप उसको ट्रैक कर सकते हो, आप उसका उसकी प्रोग्रेस देख सकते हो। जब आपके पास 8-10 बच्चे हो गए तो आप उसको कैसे आप ट्रैक करोगे, बिल्कुल एक सिंपल सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और हमें बड़ा ताजुब होता है जब कई लोग बोलते हैं ना कि म्यूचुअल फंड में दिमाग नहीं लगाना चाहिए, उसको फंड मैनेजर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। अरे यार, तो पोर्टफोलियो की रिव्यू एक मुंह से आप ऐसा बोल रहे हो और दूसरे मुंह से आप कैसा बोल रहे हो कि अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू भी करो, उसको ट्रैक भी करो, नॉन परफॉर्मिंग फंड को आउट भी कर दो। लेकिन जब कई सारे फंड्स हो गए तो कैसे आदमी ट्रैक करेगा, ट्रैक करने का मन भी अगर उसका आएगा तो उसके बाद में बोलेगा छोड़ो यार कैसे करें। और वही अगर 4-5 फंड होगा, आप उसको 6-7-8 महीने में, साल भर में आप उसको एक बार जरूर अपना ट्रैक कर लें। ट्रैक करने के बाद में दूसरा आपका जो सबसे बड़ा क्या होगा, आप उसके प्रॉफिट को आप उसको देख सकते हैं कि कौन सा मेरा फंड प्रॉफिट दे रहा है, कौन सा फंड नहीं दे रहा है। अब टैक्स हार्वेस्टिंग आपको बार बार बताया जाता है। अब आपके पास अगर मान लिया 10-12-15 फंड हैं, आपने 20,000 का भी अगर इन्वेस्टमेंट शुरू किया हुआ है तो आपको क्या मिलेगा भाई, आप बताएं क्या मिलेगा आपको। 2,500 का आपका एक फंड का खाली किया जाएगा, SIP जाएगी, जाहिर सी बात है। अब मान लिया किसी फंड में 40-50 हज़ार रुपया आपका हो भी गया है, मान लिया एक्युमुलेट करके हो गया है, तो उस पर सपोज करो कि अगर किसी फंड ने उसमें से 10-12 फंड में से 80% रिटर्न दे दिया, और कभी कभी ऐसा होता भी है, कोई कोई फंड बढ़िया चलता है, कोई कोई ऑन एवरेज चलता है, अगले साल उसको फिर नहीं देता है। तो अब उस फंड में जिसने आपको 80% रिटर्न दिया, उसमें आप एलोकेशन देखोगे आपका मिलेगा 10-12 हज़ार, 15 हज़ार, आपको क्या गेन होगा भाई। और जिस फंड में एलोकेशन ज़्यादा है वो आपका परफॉर्मेंस कम दे देगा, क्योंकि इतने फंडों का चयन जो आपने किया है वो चयन आपने कैसे किया है। तो इस बात को आपको अगर समझ में आ रही तो आप इसको समझने की कोशिश करें कि आपका जो एडुकेट मात्रा बताई गई है कि इतना फंड आपके पास होना चाहिए, तो ताकि आप उसको ट्रैक कर सकें, अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कर सकें, टाइम आने पर आप उसमें लमसम डाल सकें, टाइम आने पर आप अपने टैक्स से हार्वेस्टिंग कर सकें, टाइम आने पर आप उसको रीइन्वेस्ट कर सकें, तो इस प्रकार से टाइम आने से आप उसके SWP कर सकें। तो आप इस प्रकार से आपके लिए जो 4-5 फंड निर्धारित हैं, जितना कि एक आदमी की कैपेसिटी होती है इसीलिए उसको बताया जाता है। अब इसके बाद में आप उलूल जुलूल फंड लोगे, दूसरा क्या होगा कि आपका सपोज करो किसी किसी फंड का एक्सपेंस रेशियो कम होता है और किसी किसी का एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब कुछ फंड ऐसे हो जाएंगे जिनमें ओवरलैपिंग आपका ज़्यादा हो जाएगा, आप उस पर एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा पे कर रहे हो, उसके बाद में ओवरलैपिंग भी हो रही, अगर वो कंपनी वो सेक्टर नहीं चल रहे हैं जो कि आपके 2 फंड में 3 फंड में वो हो जाएंगे, तो आप खुद सोचिए आपका कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक्सपेंस रेशियो आपका ज़्यादा है, रिटर्न आपका कम हो गया, ओवरलैपिंग हो गया, वो सेक्टर नहीं चला उसमें आपका कम हो गया, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका रिटर्न बुरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा। और ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जो कि आपके रिटर्न को पक्का अफेक्ट करेंगे, और इस बात को आपको समझना चाहिए। जाहिर सी बात है मैंने आपको बताया था, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे, मैं उससे मेरे को नहीं लेना देना है, लेकिन जिसमें आप लोगों का आम इन्वेस्टर्स का हित है, और मेरे आम इन्वेस्टर्स में वो इन्वेस्टर्स हैं जो कि 1,000 रुपये से लेकर के 1,00,000 रुपये तक इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, मैं उनको साथ में लेकर के कॉमन गाइडलाइन, कॉमन थिंकिंग, कॉमन सोच, कॉमन स्टडी की चीज़ें आपको मैं परोसने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप बात को समझने की कोशिश करें।
और इस बात से देखिए कंट्राडिक्टरी वहीं पर ही हो जाता है जब लोग बोलते हैं कि ठीक है फंड मैनेजर, अरे फंड मैनेजर सारे छोड़ दो तो एनएबी कौन देखेगा भाई, और एनएबी नहीं देखोगे तो उसके बाद में आपकी एनएबी डाउन हुई है नहीं हुई है, कितनी एनएबी डाउन हुई है, चार्ट आपका कितना गया है, कितने परसेंट आपका डाउन हो गया, फिर यहां से हमें कितना चलना चाहिए, अब उसके बाद में आहत हो गई यार। किसी किसी के आप, मेरे को तो ताजुब होता है कि मेरे जानने वाले हैं उनके पास कितना था पता है, 25 फंड था उनके पास, बाप रे बाप 25 फंड, और उनका जो है कितना जा रहा था मंथली इंस्टॉलमेंट करीब जो है 25-30 हज़ार के आसपास उनका जा रहा था, 27-28 के आसपास। अब वो बताइए किसी में 500 था, किसी में 1000 था, किसी में 1500 था, फिर अभी उनके लिए इतना मुश्किल हो गया कि फिर लास्ट में वो मेरे पास लाए, फिर उसको हमने क्या किया, छांटा, छांटने के बाद में उनका गोल लिया, उनका ये लिया, अब ला करके उनको 5-6 फंड पर उनको आराम से पकड़ा दिया। आज के टाइम पर वो धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं, वो बढ़िया है उनका। वो हमसे पूछते हैं अरे भैया इसमें इसमें आपने कुछ किया क्या, अरे भैया जो है आप ये देख लो ना फलाना आपने बताया था उसके बाद में आपके पास भी है। तो इस टाइप से अगर आप सही तरीके से काम करेंगे ना, देखो यार मैं आपको एक बात बताऊं, किसी भी जगह पर ना एक तो देखो एक फ्रैक्शन जो है ना, फ्रैक्शन आपको कम से कम करना चाहिए, और इसको मैं एक टाइप की अगर मान लिया मैकेनिकल भाषा में यूज करूँ ना, इसको लुब्रिकेटिंग एंड आइलिंग इसको बोलते हैं। अगर आपके पास लिमिटेड फंड्स है ना तो आप उसका टाइमली लुब्रिकेटिंग, टाइमली आइलिंग, टाइमली उसकी जो ग्रीसिंग, ये सब आप उसकी कर देंगे, तो ये सब कर देंगे तो आपका क्या होगा, बिल्कुल स्मूथली कम एनर्जी में, कम एफोर्ट में, मतलब कम ईंधन में आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी यार। अब आप इसको इस भाषा में अगर आप समझते हैं तो जितने आपको रूट काज बताए गए हैं, उम्मीद करता हूँ आप उन रूट काजों को अवॉइड करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो रिवार्ड जरूर कर, रिवार्ड आपको पता लग सकता है। थैंक यू।